मित्रों, आज इस उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र के इस सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं, भारतीय विज्ञान लेखक संघ उत्तराखंड प्रभाग और पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स पहल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम और आपका मैं आयोजक संस्थाओं की ओर से और यूसर की ओर से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर धीरेंद्र शर्मा करेंगे। प्रोफेसर धीरेंद्र शर्मा ये जो इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन नाम की संस्था है या अखिल भारतीय संस्था है और इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। और जब आप देहरादून में आए तो आपकी प्रेरणा से यहाँ पर इसका उत्तराखंड प्रभाग प्रारंभ हुआ और वो पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है। प्रोफेसर धीरेंद्र शर्मा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विज्ञान नीति विषय के प्राध्यापक थे। उसके पहले वो अमेरिका में प्राध्यापक थे, लेकिन इन सब के अलावा आज के कार्यक्रम के साथ वो भावनिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए कि प्रोफेसर धीरेंद्र शर्मा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र थे। इनका इतना पारिवारिक संबंध भी था, निकट संबंध था कि कलाम साहब जब जब देहरादून आया करते थे, धीरेंद्र शर्मा जी के यहाँ रुका करते थे। राष्ट्रपति के रूप में भी जब वो यहाँ पर आए, जितनी बार आए उतनी बार धीरेंद्र शर्मा जी के यहाँ मिलने के लिए अवश्य गए। धीरेंद्र शर्मा जी की पत्नी श्रीमती निर्मला शर्मा जी के साथ भी कलाम जी का अत्यंत निकट संबंध था, मित्रतापूर्ण संबंध था। और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जब आखिरी बार वो यहाँ आए, उन्होंने निर्मला शर्मा जी के लिए एक शॉल भेंट में दी और देते समय संयोग से उन्होंने ये कहा कि मैं आपको यह भेंट दे रहा हूँ, क्या पता अगली बार मिलते हैं कि नहीं मिलते। और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि कलाम साहब 27 जुलाई के दिन नहीं रहे, व्याख्यान देते देते गिर गए और उनका देहांत हो गया। और संयोग इसमें भी और बड़ा है कि 27 जुलाई का ही दिन है जो श्रीमती निर्मला शर्मा जी का जन्मदिन है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए जब मैंने धीरेंद्र शर्मा जी को कहा कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप इसमें आइए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी का जन्मदिन होता है लेकिन पत्नी का जन्मदिन बाद में कलाम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं अवश्य आऊँगा, और इसलिए आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। शायद पत्नी को नाराज करके उपस्थित होंगे, ऐसा भी संभव है, लेकिन आज के कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होने से भारतीय विज्ञान लेखक संघ ये जो संस्था है ये एक अखिल भारतीय संस्था है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि विज्ञान वैज्ञानिकों को जन सामान्य के साथ जोड़ना, और ये जोड़ने का जो माध्यम है वो है लोकप्रिय विज्ञान लेखन। तो लेखन के माध्यम से, लोकप्रिय विज्ञान लेखन के माध्यम से हम वैज्ञानिकों को समाज के साथ जोड़ें, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जन सामान्य जो विज्ञान नहीं पढ़ते या नहीं जिन्होंने पढ़ा है वो वैज्ञानिकों को भी एक म्यूजियम पीस की तरह से एक अजूबा समझते हैं और विज्ञान के बारे में उनकी समझ जो है वो बड़ी विचित्र सी होती है। हमेशा उनसे बात करते समय ऐसा लगता है कि वो ऐसा कहते हैं, आप साइंस वाले ऐसा कहते हो, आप साइंस वाले ऐसा कहते हो का मतलब ये है कि आप कुछ और हो और हम कुछ और हैं। तो ये जो और वाली भेद की भावना है इसको दूर करने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं कर सकते, लेकिन यह काम जिसको करना है वो लोग हैं विज्ञान लेखक और उन लेखकों की संस्था है। और हमारा काम है कि हम विज्ञान और समाज के बीच में एक
कड़ी बने, उनको जोड़े। और ये काम विज्ञान लेखक संघ कर रहा है और उत्तराखंड प्रभाग में भी हमने भी यहाँ पर अनेक वर्षों से कभी व्याख्यान कराए, कभी चर्चाएं कराई, कभी गोष्ठियाँ कराई, कभी लेख लिखे, और ये काम चल रहा है, अलग अलग प्रकार से करते जा रहे हैं। और पिछले 6-7 वर्षों से उत्तराखंड में विज्ञान परिचर्चा के नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित हो रही है, जो जिसके 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो वह भी इसी काम का एक भाग है। जो दूसरी आयोजक संस्था है वो है पहल, पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स, लेकिन उसका नाम है पहल। और वास्तव में इतना बड़ा लंबा नाम आवश्यक नहीं है, स्वयं पहल अपने में बहुत बड़ी पहल कर रही है। और इस संस्था का काम जो है वो है विज्ञान को जन सामान्य के बीच में ले जाने के लिए काम करना। पिछले अनेक वर्षों से चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस के रूप में, उसके नोडल एजेंसी के रूप में उत्तराखंड में पहल ने बहुत सारा काम किया, टीचर साइंस कांग्रेस का आयोजन कराया और अन्य अनेक प्रकार से पहल काम कर रही है। उसकी अध्यक्षा श्रीमती कमला पंत जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पहल और इस्वा, इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन, ये दो संस्थाएं हम अनेक कार्यक्रम करते हैं और उसमें से एक कार्यक्रम हम नियमित रूप से कर रहे हैं और वो है कलाम साहब को याद करने का। इसका एक कारण है, जब प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा और उनके साथियों ने इस संस्था की स्थापना की तो कलाम साहब उसके साथ जुड़े। कलाम साहब यद्यपि भारत सरकार के अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, विज्ञान को समाज के साथ जोड़ना है। और आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के रूप में भी कलाम ने पूरी एक प्रकार से निष्ठापूर्ण रूप से एक ध्येय बना लिया था कि वो समाज को एक नई दिशा देंगे, एक वैज्ञानिक दिशा देंगे, और वो पूरे राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने इस बात का प्रयास किया। तो कलाम, बल्कि एक चीज़ मुझे अभी याद आई, जब हम पढ़ते थे तो जनरल नॉलेज में ऐसा प्रश्न पूछा जाता था कि किसी भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ, आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो हम लोगों को दो ही नाम याद आते थे, एक जेसी बोस और एक सीवी राव। हो सकता है कि इनके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हों, उन विषयों के लोग अपने अपने विषयों के वैज्ञानिकों को जानते भी हों, लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी केवल दो नाम जानता था, जेसी बोस और सीवी राव। आज के विद्यार्थी से पूछा जाए कि भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ तो उसको तुरंत याद आएगा और वो कहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से विज्ञान को समाज के साथ जोड़ने के मामले में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, और इस दृष्टि से हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमने डॉक्टर दुर्गेश पंत जी से अनुरोध किया कि हम आपकी संस्था में यूसर के कार्यालय में, यूसर के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, हम तो सोच रहे थे कि एक इनफॉर्मल सी मीटिंग होगी और उसमें हम अपना बोल लेंगे थोड़ा सा, लेकिन दुर्गेश पंत जी जैसा महान उत्साही व्यक्ति, उन्होंने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को आप ढंग से करिए, हम इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में दिखाएंगे, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, विज्ञान को प्रेम करने वाले लोग होंगे, वो सब इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो इस कार्यक्रम को एक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय ये डॉक्टर दुर्गेश पंत जी को और यूसर के उनके सहयोगियों को जाता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर आयोजित किया। और हम जो एक बहुत ही उसको कहते हैं कैजुअल वे में कार्यक्रम करने की सोच रहे थे, उसको उन्होंने ऐसा नहीं रहने दिया और हमसे उम्मीद की कि हम इस कार्यक्रम को ढंग से करें। एक संयोग और जुड़ गया, श्री राधा कृष्ण पंत जी से परिचय हो गया। उनका परिचय देने के लिए मैं कमला पंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका परिचय अभी दो मिनट में उनका परिचय वो दें। लेकिन राधा कृष्ण पंत जी ये दिल्ली में रहते थे, अब देहरादून में निवास करने के लिए आ गए, और संयोग ऐसा जुड़ा कि राधा कृष्ण पंत जी ये कलाम के अत्यंत निकट अनेक वर्षों तक रहे, और इसलिए आज हमारा ये संयोग है कि हमारे इस कार्यक्रम में अपने अनुभवों को बताने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला है। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। इसके पहले कि हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें, व्याख्यान आदि कार्यक्रम को प्रारंभ करें, मैं आप सब से एक
निविनम्र अनुरोध करता हूँ कि एक एक करके यहाँ पर आएं और कलाम के चित्र पर एक एक पुष्प अर्पित करके और अपनी श्रद्धांजलि दें। कलाम सिर्फ कलाम नहीं, मुझे लगता है कलाम के विचार है, और कोई विचार कब जन्म लेता है उसको तुलसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, जो कि लगन गिरह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल होते हैं तब एक अच्छे विचार का, एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छी संस्कृति का, एक अच्छे समाज का। बेलरी यह तन विष की, बेलरी गुरु सदगुण की खान रे, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे। तो मुझे लगता है कि आज के समाज में, आज के हिंदुस्तान को जैसे गुरु की जरूरत थी, कलाम से अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता था, तो मैं उन्हें आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के रूप में याद करती हूँ। उन्हें राष्ट्रीय गुरु कहा गया, राष्ट्र के चाचा हैं, राष्ट्र के पिता हैं, वो राष्ट्र के, हमारे राष्ट्र के गुरु होने लगे, क्योंकि आज के समाज में उनकी शिक्षाओं की, उनके आदर्शों की। एक और संयोग है कि उनके बहुत ही निकट रही हमारे श्रीमती निर्मल जी का जन्मदिन है। किसी कवि ने कहा क्या अंतर है जन्म और मरण में, किसी की आंख खुल गई किसी को नहीं पता। निर्मला जी की आंख इस तिथि पर ही खुली है और कलाम की बंद हुई है। हम इन दोनों घटनाओं को जोड़ के कहते हैं कि जीवन का क्षण क्षण फूल, जीवन का क्षण क्षण फूल मृत्यु चंदन है, जीवन का क्षण क्षण फूल मृत्यु चंदन है, हे काल तुम्हारा तुम से। ये भी एक और एक संयोग था कि इस साल थोड़ी स्वास्थ्य की वजह से मैं पहल नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे इस कार्यक्रम के लिए बात करूं किसी से। अचानक तिवारी जी का फोन आया कि मैडम हम लोग नहीं कर पाए। मैंने कहा कि करिए ना, लाइब्रेरी में करिए। उन्होंने कहा हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है, हम दोनों लाइब्रेरी में आज नहीं कर पाएंगे, आप कुछ और देखिए। और उन्होंने मुझे कहा कि ये एक व्यक्ति हमारे बीच में है, श्री राधा कृष्ण पंत जी, और वो कलाम साहब के संग बहुत सालों रह चुके हैं, और वो भी देखिए बड़ी विनम्रता आपको उनका, वो भी वहाँ एक उपस्थित होना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैं तो थोड़ी दूसरे टाइप की हूँ, मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर उनकी मेरी भेंट करा दी। तय था कि लाइब्रेरी में मिलेंगे, लेकिन उस दिन हमारे पड़ोस में ही एकदम नेक्स्ट डोर पर किसी की डेथ हो गई, मैं नहीं जाती, और पंत जी ने कृपा करके मेरे घर आना स्वीकार किया, शाम को बैठ और उनके बारे में जाना। वो जैसे नाम है राधा कृष्ण, यह क्या भ्रम या विभ्रम, यह क्या भ्रम या विभ्रम, दर्शन नहीं अधूरे एक मूर्ति, आधे में राधा आधे में हरि। एक तरफ से पुलिस में है गार्ड आरक्षी, और दूसरी तरफ से कवि। कलाम के साथ रह करके आपने लिखा आधार से शिखर तक कविताएं उनके ही बारे में, उसके बाद उनकी दो किताबें मेरे सामने पड़ी हैं, आरक्षी का अंतर्नाद और मन। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गया इतना। पंत जी हमारे बीच में है, कलाम को लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ लोग मिनट दो मिनट घंटा दो घंटा उनके पास रहे, कुछ हम जैसे भी हैं जिनको चार पांच बार उनके हाथ छूने का मौका मिल गया। और वो ये होता था कि हमारे हम में से, हमारे बच्चों में से, हमारी टीम में से, जब नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस उद्घाटन करने आते थे, हर स्टेट से दो दो बच्चे उनके साथ खड़े होते थे, उनसे हाथ मिला के आते थे, तो उस स्टेट के सारे बच्चे उन दोनों बच्चों से हाथ मिलाते थे, मतलब वो स्पर्श कहाँ तक जाता। तो उतना सा सौभाग्य मेरा भी रहा है, और जो व्यक्ति उनके सामने याद रहा है परसों, वो हमारे बीच में है, उनका शब्द स्पर्श कंठ लेकर उपस्थित हुए हैं,
मैं इतनी ही बात कहकर राधा कृष्ण पंत जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने शंख रुकने का बजा तो खेल पूरा हो गया। नाट्य ग्रह अब भी भरा है किंतु अब है वे नहीं। बूंद सागर में मिली पर धार अब भी बह रही। दृश्य में जब तक रहे तब तक निभाई भूमिका। हर घर रमाया प्रेम से ही हर खिलाई वाटिका। पत्र देता वायु निर्मल पुष्प देता सुरभि। स्वाद फल का स्वाद मीठा वृक्ष की शैली है। थी अचल की पूर्ण दृढ़ता या नदी जीवंतता। थी पवन की चपल गति या सिंधु की गंभीरता। सूर्य शशि की नियम व्रतता अवन की उपकारिता। मरुभूमि नीरवता यहाँ थी गगन की थी शून्यता। परमाणु का इस जगत में क्या सत्व है अस्तित्व है। परमाणु का इस जगत में क्या सत्व है अस्तित्व है पर विश्व में उसके बिना संभव न कोई तत्व है। किंतु कुछ देते दिशा हैं और रेखा खींचती। किंतु कुछ देते दिशा हैं और रेखा खींचते। हम उन्हीं से प्रेरणा पा क्षेत्र अपने सिंचते। हर एक का हर एक को यद्यपि मिला अवदान है किंतु कुछ का दीख पड़ता अतुल ही वरदान है। उनकी प्रभा में पथ हमारा बन गया रमणीय है। हम उन्हें हैं नमन करते वे सदा स्मरणीय है। इन शब्दों के साथ एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति मेरी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। अभी कमलापन जी ने एक बात की और मुझे प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा जी की बताई हुई एक बात याद आ गई कि अंगरक्षक थे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है एक राष्ट्रपति के साथ रह करके। और उनके अपने कुछ संस्मरण हैं कुछ उनकी यादें हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने उन संस्मरणों को उन यादों को आज के दिन हमारे बीच रखें। श्री आज का दिन 27 जुलाई 2018 कई महीनों में विशेष है। जैसे आज गुरु पूर्णिमा में पूर्णिमा भी है और कई चीज़ें हैं जो घटने भी हैं तो आज के दिन आज यहाँ पर भारतीय विज्ञान लेखक संघ उत्तराखंड प्रभाग एवं पीपुल्स एसोसिएशन हिल एरिया पहल दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान से देहरादून के यूसर्क सभागार में आयोजित भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी के चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय श्री धीरेन्द्र शर्मा जी दुर्गेश पंत जी M.N. जोशी जी वीरेंद्र शर्मा जी कमलकांत पांडे जी कमला पंत मैडम जी चंद्रशेखर तिवारी जी M.N. जोशी जी S.K. शर्मा जी S.K. अग्रवाल जी इंद्र भूषण जी और R.J. आजमी साहब आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। श्री चंद्रशेखर तिवारी जी और मैडम कमला पंत जी ने जो बहुत आकस्मिक मेरी सूचना को एक विस्तृत उसमें प्रैक्टिकल उसमें यहाँ पे आज दिया दो दिन के अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी ज्ञानी विज्ञानी मानवता के प्रेमी एवं राष्ट्र के चौथे स्तंभ जिज्ञासु पत्रकारगण आप सभी का धन्यवाद। जो आप सभी एक महान व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक एक लोकप्रिय आदर्श राष्ट्रपति को उनके चौथे पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होकर सहभागी हुए हैं आप सभी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ तथा आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत कम समय में आयोजन को निश्चित किया। कहते हैं लगन लक्ष्य पर कार्य करें जो वही संभव हो पाता है। आप खड़े रेतीले तट पर ज्वार स्पर्श कर जाता है। आज हम सब उस महान आत्मा को एक असाधारण व्यक्ति को जिन एक
महान वैज्ञानिक को जो अपने आदर्श और एक लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए सरदार सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खुदा उन्हें जन्नत बख्शे, वे इस धरती पर अमर रहेंगे, वे हमारे युग पुरुष रहे हैं, वे देश के लिए जन्मे और आखिरी सांस तक देश के लिए जिए हैं। जैसा आपने उनका लाइव वीडियो देखा होगा, वे 0 से 100 तक पहुँचे हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, वे आधार से शिखर तक पहुँचे हैं। यदि मैं उन्हें भारत के मसीहा कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके विषय में उनका विस्तृत परिचय, उनकी शिक्षा, संघर्ष, आविष्कार, उपलब्धि, उनका त्याग, उनके पुरस्कार, यह सब ज्ञान विज्ञान की बातें आप जानते हैं। या उनकी पुस्तक अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन, ज्ञान कलाम, इन पुस्तकों के माध्यम से आप संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज मैं इस मंच से उनके सानिध्य और उनसे हुई निकटता या उनकी सुरक्षा में अपने कर्तव्य निर्वहन करते वक्त जो देखा, जो अनुभव किया, मैं उसे आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। पहले मैं अपना अल्प परिचय आपके सामने रखता हूं। मैं राधा कृष्ण पंत जनपद चमोली का मूल निवासी हूं। वर्तमान में देहरादून में रह रहा हूं। दिल्ली पुलिस से 2010 में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूं। 2002 में राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में तैनात था। इसी दौरान 12वें राष्ट्रपति पद निमित्त हुए चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 25 जुलाई को शपथ लेने के उपरांत उन्होंने प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन को सुशोभित किया तथा हम उन्हें जानने को उत्सुक हुए। तब तक हम उन्हें एक महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन के तौर पर ही जानते थे। उनके व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत जीवन से मैं अनभिज्ञ था। मैंने पहले ही दिन से उन्हें सरल, साधारण, सीमित रूप में देखा। मेरे अंदर एक कौतूहल होने लगी। मैंने भी दिल से धन्यवाद दिया NDA की सरकार को, विशेष रूप से वाजपेयी जी को, जो उन्होंने उनका एक चयन किया जो एक गैर राजनीतिक थे। क्योंकि स्वभाव से कमी होने के कारण मैं पुलिस की नौकरी में रहते हुए अपने को निखार नहीं सका, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं बराबर प्रकाशित होती रही। इसी दौरान मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी पर उनकी सादगी और उपलब्धि पर एक पेज की कविता लिखी। 25 जुलाई को जब शपथ लेने के बाद मैंने उनको देखा तो शाम को वो एक अटैची सूटकेस लेके उन्होंने प्रवेश किया था और इत्तेफाक से स्टडी के पास मेरी ड्यूटी थी। उनका ऑफिस जो होता है, कार्यालय, उसको स्टडी नाम दिया जाता है, वहाँ पे ड्यूटी। तो शाम को मैंने देखा कि वो चप्पल पहने हुए नीचे उतरे, तो चप्पल जो हवाई चप्पल थी वो भी घिसी हुई थी और अंगूठे के छाप नीले थे। मैं बिल्कुल घायल हो गया हूँ उनके एक असाधारण व्यक्ति का एक इतना साधारणपन राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने के बाद। और देखिए आप, बहुत डीपली मैंने उनको, मैं कोई रिसर्चर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक जो अंदर है इंसान बैठा मेरे अंदर, वो उनको तराश रहा था, देख रहा था कि क्या है इस इंसान में। ओथ लेने के बाद रामेश्वरम से एक ट्रेन से उनके परिवार के मित्र लोग सब आए थे, जो लगभग 35-40 की संख्या में थे। उनका जलपान वगैरह होने के बाद राष्ट्रपति जी ने नहीं अवसर दिया वहाँ ठहरने का। उनको उसी शाम 3-3:30 बजे जो है रामेश्वरम की ट्रेन में उनको बिठा के अब बाय बाय कर दिया। रात का भोजन हुआ, उनको कुछ पता नहीं राष्ट्रपति भवन क्या प्रोटोकॉल क्या है, क्या यहाँ के नियम हैं, क्या कैसा है। तो शाम को जो भोजन वगैरह हुआ, तो अगले दिन उन्होंने जो कैप्टन साहब होते हैं उनसे पूछा कि क्या है, मुझे पेमेंट क्या होता है, जो कल पार्टी हुई इसका क्या है, बिल वगैरह लाओ। तो वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो उनको कैप्टन ने समझाया कि यहाँ पर जो है प्रेजिडेंट के जो गेस्ट आते हैं उनका जो है कोई भी इस प्रकार का, तो राष्ट्रपति भवन का जो बजट आता होगा उसी को मतलब खर्चे में कर। तो ये देखने के बाद, यानी मैं पुलिस में रहते हुए मेरा फोकस 24 घंटे उनको जानने में लगा, क्योंकि बिफोर डे मैं उनको सिर्फ अब्दुल कलाम ए साइंटिस्ट से अधिक नहीं जानता था। लेकिन ये हुआ, ये आदमी का चयन हुआ, कुछ समाचार पत्र पढ़े, उनकी जो एजुकेशन, उनके स्ट्रगल, उनकी जो उपलब्धियाँ, उनके जो, उनको ये मानो कि उस वक्त 3 दर्जन यूनिवर्सिटी संस्थाओं ने उनको डीलिट प्रदान किया था।
तीन दर्जन। तो ये सब चीज देखने के बाद देखिए, राष्ट्रपति भवन की पोस्टिंग सबसे कठिन होती है हमारे दिल्ली पुलिस में, कारगिल से भी बढ़के होती है, क्योंकि इससे बढ़के सेंसिटिव एरिया कहीं नहीं है। और जैसे हमारे देश का अन्य देशों से अगर जिस प्रकार का व्यवहार है, तो हमारा जो है राष्ट्रपति भवन 1 किलोमीटर दूर से ही वॉच सिक्योरिटी के उसमें कवर में आ जाता है। तो ये देखने के बाद राष्ट्रपति महोदय को जब इतने साधारणपन में देखा, तो मैंने 27 जुलाई को एक कविता लिखी और कविता को मैंने समझा उसको कि इस राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाए। जितना मैंने 48 घंटे में जाना, मैंने 2 दिन बाद लिखा और उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता था, थ्रू प्रॉपर चैनल मैंने पुलिस हेडक्वार्टर भिजवाया। तो 1 महीने तक वो दब गया। हमारे माननीय राज्यपाल साहब मेरे कमिश्नर थे, तो वो चीज़ नहीं आई। लेकिन मैं भटक रहा था, मैं उत्सुक हो रहा था, मेरी बहुत काम की चीज़ है, बहुत काबिल चीज़ है, मैंने दिल से निखार के उसको रखा है, पेज में रखा है, उसको पहुंचाना है। तो उनके जो आर्मी के डिफेंस के 3 होते हैं अंगरक्षक, तो तीनों बारी बारी से लगती, तो उनसे आने आते जाते खूब अच्छा उनसे बातें होती थी, क्योंकि मुझे जो आर्मी के कैप्टन होते हैं बड़े प्यारे लगते थे। मेरे बेटे का भी उस वक्त आर्मी में CBS में सिलेक्शन हुआ था, तो बेटा समान देखता था, वो भी मुझे अंकल कह के इंडिकेट करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो मैंने एक दिन जो है, एक कैप्टन थे निशिकांत सर एयरफोर्स के, उनको मैंने दिया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सुबह प्रातःकाली मुगल गार्डन में घूमते हुए उन तक वो पहुंचा दी और सुना भी दी। साहब ने वहीं से, मेरी नाइट ड्यूटी थी, 8 बजे ऑफ होनी थी, साहब ने जो है वहीं से कम्युनिकेशन वाले सेंटर से और कंट्रोल रूम से मुझे इनको कि राधा किशन पंत जी को जो है साहब बुला रहे हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर बात पहुंची, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ आज गलत हो गया, और सब कुछ मतलब जो है दिल्ली पुलिस के तंत्र मंत्र जो है सब आने लगे, क्या है पूछने लगे क्या। तो मुझे ये भी मुश्किल हुआ कि मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया, किसी के हाथ दिए, मैं फंस गया। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, ड्यूटी जो जहाँ पे थी मेरी हमेशा फ्रंट पे बहुत अच्छे पॉइंट पे ड्यूटी होती थी, जहाँ से जब आते जाते मैं सबको देखता था। तो ये होने के बाद 8 बजे जब मैं 8:15 बजे में वापस बैक होके मोहल गार्डन में गया, तो साहब ने मुझे कंधे में हाथ रख के कहाँ के रहने वाले हो, बड़ा आसान किया, हिंदी में सब सवाल किया। मैं उत्तराखंड से, आप यहाँ पे कहाँ ड्यूटी देते हैं, मैं जी यहाँ पे हूँ, तो आप जो है शाम को 4 बजे मिलिए। 4 बजे उसी दिन का 4 बजे ऑफिस में स्टेडियम में मेरा अपॉइंटमेंट रख दिया। मेरी स्पीच जो है 4 बजे से पहले मेरी बहुत खिंचाई हुई, कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो शाम को 4 बजे साहब प्रेजिडेंट का कहा हुआ रोक तो नहीं सकता था, 4 बजे मैं सामने बैठा, साहब छोटी टेबल सामने बैठे, तो मैं अपनी अवस्था को क्या समझूं, मैं सारे धाम एक साथ मैंने पा लिए थे, मैं अपने आत्मीय सुख से लबालब हुआ था, मैं आसमान में पंख लगाकर उड़ रहा था, मैंने देखा एक इंसान, ये पूरा भारत है, ये भारत इसमें समाया है, क्या महान आत्मा, मैं तो उनको चिपक ही रहा था, वो बात कर रहे थे, मैं उनको देख रहा, मतलब भरपूर करके आज देख रहे थे, देखा, फोटो खिंचाया, तो उस दिन का पहला फोटो मेरा ये है, उसके बाद तो कई फोटो आए, ये फोटो जो है हुआ, मुलाकात हुई, 10 मिनट की मुलाकात हुई, बाहर मुझे मेरे अधिकारियों ने काउंटिंग किया, भाई अब तो इनसे हाथ मिला लो, समझो पढ़ा रहा। तो उस टाइम इत्तेफाक की हमारे कमिश्नर साहब के पाल साहब का भी नंबर नहीं था, वो बाद में मिले थे, दिल्ली पुलिस की तरफ से सबसे पहले मैं शख्स था जिनको अच्छा मिला, तो शायद इतना प्यारा हाथ भी वो नहीं मिला सकेंगे। ये हुआ, बात हो गई, हम ड्यूटी करने लगे, उनको देखने लगे और जानने लगे, सब बात हुई। लेकिन इत्तेफाक से 6 महीने बाद आर रामानाथन की पुस्तक आई, हु इज कलाम, वो लिम्का बुक में एकदम से 14 भाषाओं में ही इंडिया के एकदम एक दिन उसका पार्लियामेंट एनेक्स में इनोग्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी। तो मुझे भी कल इनोग्रेशन होना था, आज जो है उसके पब्लिशर का मुझे फोन आया, प्रभात प्रकाशन, कि आपको भी आना है क्योंकि आपका भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा तो कुछ है नहीं। बट नहीं है, गया मैं, वो तो वो कविता वहाँ पे पब्लिश हुई थी,
वो कविता पब्लिश हुई थी और पार्लियामेंट एनेक्स में मुझे पास मिला, मैं गया तो लिमिटेड आदमी लिमिटेड लोग प्रेस, तो वहाँ पर उस किताब के अंदर आप खोलेंगे तो 134 नंबर पेज में उस बुक में सबका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़े बड़े साइंटिस्टों का, बड़े बड़े लोगों का है, उसमें सब कुछ है। लेकिन कविता मान नाम से एक है जो कि मेरी कविता है, वो पढ़ी गई पार्लियामेंट एनेक्स में प्रमोद महाजन जी द्वारा उस वक्त के, तो बड़ी कर्तव्य ध्वनि से तालियां बजी थी, तो मैं अपना मेरा तो धरातली खिसक गया था, मैं कहां से कहां पहुंच गया था, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था लेकिन मेरे तो पंख लगे थे, मतलब आत्मीय खुशी कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे आगे करके बुलाया, और ये वहां पे हमारे मुरली मनोहर जोशी वगैरह वगैरह ये सब चीज थे, तो बड़ी खुशी होती है अच्छे काम का अच्छा नतीजा। तो मैं वो जो कविता थी 16 लाइन की थी, तो प्रमोद महाजन जी ने कहा 16 लाइन नहीं 16 बुक्स हैं, वो इतना निखार है, भारतवर्ष के शीर्ष पद पर पहुंचे हैं आप कलाम, प्रथम पुरुष का ताज आपको करता है राष्ट्र सलाम, करता है राष्ट्र सलाम आपको, आप सभी के सीने में लोकप्रियता का यह आलम है, अब मजा आ रहा जीने में, आप साधारण और असाधारण भी स्वयं परिभाषा करते हैं, विशेषताओं से भरे हुए आप जग को दर्शन देते हैं, जग को दर्शन देते हैं आप राष्ट्र प्रेम की महान मिसाल, जीवन भर यह गाना गाया जय भारत मिसाल, जीवन रहा सदा समर्पित दिया देश को महाविज्ञान, लटके हुए केसों में सजे हुए आदर्श व्यक्तित्व है एक महान, आदर्श व्यक्तित्व है एक महान, आप शिखर पर पहुंचे हैं, आप शिखर पर पहुंचे हैं, विकसित हो यह देश हमारा आप ऐलान कर कहते हैं। तो ये कविता मैंने जब और थी थोड़ा मैं उसको मिस कर गया हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिए, आप पूरा पढ़ दीजिए उसको ज़्यादा, हाँ आप देश हुआ सदा सुरक्षित दिया देश को महाविज्ञान, लटके हुए केसों में सजे हुए आदर्श व्यक्तित्व है एक महान, आदर्श व्यक्तित्व है एक महान, आप शिखर पर पहुंचे हैं, विकसित हो या देश हमारा ऐलान शपथ दे करते हैं, रह गया। चलो ये होने के बाद यानी काफी हुआ भाई, एक किताब में एक कविता लिखी जिसको मैंने मुलाकात के बाद छोड़ दिया था, लेकिन उस कविता को इतना बड़ा मुकाम मिला तो खुशी हुई। बाद में ये पता लगा कि J&K में उर्दू में BA में वो लगी है, तेलुगु में लगी है, तमिल में लगी है। तो सर फिर उसके बाद मेरी तमन्ना और बढ़ी कि मैं तो कवि तो हूँ, मुझे लिखना चाहिए और जितना जाना उसको जानना चाहिए। तो आप यकीन मानिए मैं राष्ट्रपति भवन को एक कभी मैं छुट्टी नहीं लेता था, मैं जितनी भी एक्टिविटीज होती थी राष्ट्रपति महोदय की सब देखता था। तो मैंने 6 महीने के अंदर ये किताब लिख दी थी, मैं 7 दिन के लिए रामेश्वरम भी गया, उनका 18 फीट चौड़ाई का मकान भी मैंने देखा, उनके परिवार से मिला, उनकी मस्जिद में गया, तो सब करके 8 दिन बाद आया तो ये किताब मैंने लिखी, अपनी नौकरी भी की। उसके बाद जब इसकी डमी कॉपी तैयार हो गया तो राष्ट्रपति जी के पास फिर पहुंचा दी, राष्ट्रपति जी ने JNU के हिंदी के विद्वानों को DO के विद्वानों को बुलाया, उसकी डमी कॉपियां बांटी, ऑडिट हुआ उसका बड़ा हुआ। तो क्योंकि मैं पुलिस में रहते हुए कोई भी शब्द यानी पब्लिश नहीं कर सकता था, और वो भी एक महान राष्ट्रपति के ऊपर ऊँच हो नीच हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो इस किताब की इतनी छानबीन हुई एक एक शब्द की। और ये किताब कोई काव्य रस की नहीं है, ये कोई छायावाद की नहीं है, एक वैज्ञानिक की जीवनी इसमें है, इसमें सारे वैज्ञानिक जितने भी नाम जितने भी होंगे सब इसके अंदर होंगे, उनको मैंने कैसे सेट किया क्या किया, ये एक बेशक छंद न बने हो उनमें रस्ता ना हो लेकिन सब्जेक्ट और विषय कंप्लीट उसमें आया है। ये किताब होने के बाद इस किताब की परमिशन के लिए फिर हुआ तो चलो मिल गई, वो भी मिल गई, मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं राष्ट्रपति जी की तरफ जाऊँगा। तो मैंने इस बीच देखता था उनकी दिनचर्या, सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की जग को जगाने के लिए उठाने के लिए एक वाद्य सेना का एक जो है वो परेड होती है, वाद्य यंत्रों की परेड होती है, तो राष्ट्रपति जी वो उठाने को 5 बजे होता लेकिन राष्ट्रपति जी पहले उठ जाते हैं, वो तो मुगल गार्डन में जो है हमने चले जाते हैं, वो इधर ठहरे उधर ठहरे, इस पेड़ पे टिके उस पेड़ पे टिके,
और अपना 2 घंटे का वक्त वो वहाँ पे गुजारते थे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति स्टेट की जो काया ही पलट दी, वहाँ के लोगों में क्या है ये, क्या मसीहा, देश के लिए तो होगा लेकिन मेरे लिए भी और मेरे घर के लिए भी मसीहा बन के आया। उनके लोगों की इस प्रकार की बातें होती थी। राष्ट्रपति भवन के अंदर जैसे पहले से चला रहा, राष्ट्रपति भवन का एरिया बहुत बड़े एक उसमें फैला हुआ है, मुगल गार्डन है, उसके बगल में दूसरा गार्डन है, तो पहले वहाँ 20-30 एक बड़े बड़े डॉग पलते थे, भी उनके लिए उस प्रकार का खाना आता था। प्रेजिडेंट साहब ने उनको सब आउट करके पहले दिन आउट करके वहाँ हर्बल गार्डन बनाया, मृग और हिरन वहाँ पाले, मृग और हिरन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध की बोतल पिलाते थे, ये उनका रोज का नियम था, ये उनकी। देखिए हर्बल गार्डन, आप लोग महान लोग गए होंगे, आपको अवसर मिला होगा गए होंगे, हर्बल गार्डन में उन्होंने तमाम दवाइयों का सब चीज जो आयुर्वेद की होती है सब होती है, और प्रयोगशालाओं में वो जाती थी जड़ी बूटियां हर्बल गार्डन। जब वहां पे मुगल गार्डन में जो खुलता है फरवरी मार्च में, तो जितना भी दर्शक, अब जब से कलाम साहब आए तो वहां बहुत बढ़ गई जनता, क्यों कलाम साहब को देखने का मन करता है। तो उन्होंने जो है हर विजिटर को जो पीछे से आते हैं मुगल गार्डन में, उनको जो है कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, पेड़ के रूप में, तुलसी के रूप में, आम के रूप में, इस प्रकार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। उनके बारे में क्या बताया जाए, वो देश के राष्ट्रपति थे, संविधान के राष्ट्रपति थे, संसद के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो एक आम जनता के लिए भी एक बहुत साधारण जन थे। बच्चों से मिलना उनका हमेशा का काम था। हर स्कूल देश के हर कोने कोने से 5 साल में 5 लाख बच्चे मिले होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। 10-10 स्कूलों की गाड़ियां लगी रहती थी, ये उनका नियम था। हर युवा आता था, हर कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले मेरिट में 1, 2, 3 IAS हो या PCS हो या IT हो या MBA हो, वो बच्चा वहां जाता था, साहब उसको जो है। तो ये उनका मिलना, ये उनका व्यवहार, ये एटीट्यूड युवाओं के लिए, वो कहते थे हे भारतीय युवक, हे ज्ञानी विज्ञानी मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है, मेरे सपने बड़े हैं, मैं मेहनत करूंगा, मेरा देश धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है, इस धरती पर ऊपर या नीचे मैं दीप जलाए रखूंगा जिससे मेरा देश महान हो। उनका युवाओं के लिए मैसेज था, और उनकी बुक के फर्स्ट पेज पे ये जो मैंने कहा ये सब बुकों में होगा। तो उनकी गुण गाथा मैं इतना कह सकता हूँ, कई दिन लग जाएंगे, मेरे लीड करते हैं दिमाग में, पहले ये बात बोलो वो बात बोलो, और वो जो है वो लीड में मैं डिस्टर्ब होकर अपना भटक जाता हूँ, जाता तो हूँ लक्ष्य पे, लेकिन एक सीधा आदमी जाता है, एक बूढ़ा आदमी जाता, वो बात मेरे उसमें आ जाती है। तो उसके बाद ये किताब आने के बाद राष्ट्रपति, मुझे 2 साल का पीरियड होता वहाँ पे, लेकिन मुझे एक्सटेंशन मिली और मैं 6 महीने में और भी रहना चाहता था, लेकिन कुछ नियम होते हैं विभाग के, कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे वहाँ से, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ओकेजन जो भी होता था राष्ट्रपति जी मुझे विद फैमिली बुलाते थे, अनेकों मुलाकातें मेरे बच्चों की, मेरे फैमिली की उनसे भी। तो उन्होंने मुझे अपना एक निजी, एक दिल, निजी नहीं, एक दिल से उन्होंने मेरा दिल देखा कि वाकई एक वर्दी के अंदर एक इंसान है, खाकी के अंदर एक इंसान है जो भटक रहा है एक अच्छाई के लिए, अच्छे उसके लिए। तो इस किताब की देखो, होता है कोई जीवन में घटना ऐसी होती है कि कोई मूव करने वाला होता है, कोई कुछ करने वाला होता है, कोई किसी को कहीं ड्राइव करने वाला होता है, कोई अच्छी जगह के लिए, कोई बुरी जगह के लिए। तो राष्ट्रपति जी ने एक पेज से ये किताब बनवाई, और इस किताब को लिखने के बाद मुझे कहा, पंत जी आपका नया नया राज्य है, क्या हो रहा है, आपका राज्य तो बहुत अच्छा है, आपके यहाँ से गंगा निकलती है, आपने गंगा पे लिखा है? मैंने बस, आप गंगा पे लिखिए, और वो मेरी फाइल आई है वो देखेंगे, गंगा पे लिखा है, सब डॉक्यूमेंट है कई अनेकों, तो गंगा पे लिखिए। ओहो, किताब तो कर दी, और एक चीज और आ गई। वो किताब भी उनके, मैं पोस्टिंग चला गया, लेकिन वहां से मैंने किताब पूरी की, फिर उनको लेके मैंने गंगा पे लिख दी, जो आरक्षी का अंतर्नाद है। तो जब गंगा पे लिखे तो उनका एक दस्तखत किया हुआ आता है कि आपकी किताब मिली है और गंगा पे लिखी हुई कविता मुझे पसंद आई, एक नोट दिया हुआ मुझे, ये फाइल के अंदर है, बोलो उसको, फाइल के अंदर है। तो कहने का मतलब, उन्होंने मेरे से अपने रहते रहे एक के बाद एक, एक सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप,
यानी अगर आदमी अच्छा कर रहा है वो इंक्रेज करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ नई चीज होनी चाहिए, वो इंक्रेज करने की बात उनमें थी, वो इंक्रेज करने की लाइफ में। तो लॉन्ग लाइफ के लिए हमें जरूरी भी है कि हमारे पास काम हो। तो मैं तो उन्हें यही कहता हूँ, मैंने कल परसों सवेरे मैंने कहा मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ आया हूँ, दिल्ली में तो मैं मुझे श्रद्धांजलि करने के लिए हर साल अवसर मिलता ही है, लेकिन पिछले साल से मैं यहाँ हूँ तो मैंने इस साल तराश किया तो मैं तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी लाइब्रेरी में हैं। पिछले साल भगवती प्रसाद एक नोटियाल थे साहित्यकार, उनका निधन हो गया, उन्होंने मुलाकात करवाई थी मुझे और तिवारी जी इतने महान व्यक्ति मिले, उन्होंने मैडम पंत जी से किया, 22 तारीख की बात है और इतनी जल्दी इन्होंने यानी मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रख भी दिया है। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी जल्दी आपने मुझे मरने नहीं दिया, आपने मुझे जीने की राह मेरी फिर से प्रज्वलित कर दी। तो मैंने तो कलाम साहब पे कल लिखा, अल्लाह ने आसमां से जमी पर एक नूर गिराया, आजी साहब, अल्लाह ने आसमां से जमी पे एक नूर गिराया, भाग्य से भारत ने वो रामेश्वरम में पाया, भाग्य से भारत ने उसे रामेश्वरम में पाया, वह नूर निखरने चमकने और फैलने लगा, वह नूर निखरने चमकने और फैलने लगा था, फिर अल्लाह ने उनको अब्दुल कलाम बनाया। ये है तो उनके लिए तो वाकई वाकई वो मसीहा से कम नहीं, और भारत के भारत देश में दो चार अगर ऐसे लोग हो जाएं तो मैं कह रहा हूं देश बहुत स्पीड से बड़ी गति से, वो कहते हैं कि 5 और 95 के अंतर है देश में गुणी और अवगुणी लोगों का, तो 5% जो गुणी लोग हैं वो अब देश को चला रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये भी है कि जो लोग राष्ट्रपति जी से संपर्क में आए होंगे, सानिध्य में आए होंगे, वो जरूर जीवन में उनके अंश को लेकर, तो मैंने लिखा है उनके एक गीत ऑडियो बनाया था, लाखों ने ले लिया तुमसे अंश कलाम, निखरेंगे देखना कई और कलाम। तो इस प्रकार से ये है, तो उनके ये हे महा, मैं एक गीत लिखा, मैंने ये ऑडियो बनी हुई है, उनको भेंट की थी मैंने, उस ऑडियो के आंसर भी मेरे पास हैं, तो उसको अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। हे महान हे कलाम को मैं ढेरों सलाम, देश को दे दिया जिंदगी का तमाम, हे महान हे कलाम तो मैं ढेरों सलाम, हिंद के चरणों से तुमने देखा जहां, हिंद के चरणों से तुमने देखा जहां, समुद्र की लहर से लिए थे अरमां, आवाज ली ताप ली शक्ति लेकर निशान, लक्ष्य को भेद कर हो गए हैं महान, हे महान हे कलाम तुम ढेरों सलाम। थोड़ा मैं इनके उसमें भी आता हूँ जो स्ट्रगल थे, 5 मिनट लूंगा। मुश्किलों में पड़े थे न पैसे थे परेशान, बहन जो हरा का तुम पर है एहसान, अखबार बेचे थे दुश्मन था आराम, जीवन संघर्ष का दिया था पैगाम, उन्होंने अपने उसे पैगाम दिया था, आप हिंदू नहीं, ये खास बात थी उनमें, आप हिंदू नहीं न आप हैं मुसलमान, कौम श्रेष्ठ आपकी कौम हिंदुस्तान, कौम श्रेष्ठ आपकी कौम हिंदुस्तान, इस रिपोर्ट में भी गाया था मैंने, हृदय में तुम्हारे सभी हैं समान, इसीलिए तुम हुए हैं महान, हे महान हे कलाम तुम्हें ढेरों सलाम। और सुनिए, अनंत आकाश तुम अग्नि की है उड़ान, अनंत आकाश तुम अग्नि की है उड़ान, चिड़ियों के पंखों से पाया तुमने विज्ञान, चिड़ियों के पंखों से प,
पाया तुमने विज्ञान। अग्नि की उड़ान में उन्होंने लिखा है रामेश्वरम के तट पर मैं बैठा रहता था और इन्हीं चीज़ों से मैंने ये चीज़ सीखी जब उन्होंने हावर क्राफ्ट बनाया संसार। सपनों के देश को तुमने दे दी जुबान, आपकी सोच है देश को वरदान। उन्होंने 2020 बनाया, कोई तो सरकार उस पर चले। विजन 2020 एक बुक है जिसमें पूरा वाई एस राजन और उन्होंने ये किताब मिलके लिखी है, तो कोई उस पर तो चले। उन्होंने सारे शेड्यूल बना के दिए कि कैसे हमारा देश 2020 तक कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। वो कहते हैं 65 सालों से, जब कहा था 65 सालों से हमारा देश डेवलपिंग कंट्री का नाम पट लेके चल रहा है, तो ये उनको बहुत अफसोस है। विश्व में आगे हो, देश हो शक्तिवान, विश्व की शक्ति में श्रेष्ठ हो हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया हो, कहते हैं जी कलाम, देश को दे दिया 2020 का मुकाम। लाखों ने ले लिया तुमसे अंश कलाम, निखरेंगे देखना कई और कलाम। सवेरे का सूरज अकेले हैं शाम, क्षितिज पर हमारे रहेंगे कलाम। हे महान हे कलाम तुम्हें ढेरों सलाम, देश के रत्न तुम देश के अभिमान, देश के शीर्ष पर देश के स्वाभिमान। ये विश्व में विशिष्ट है आपकी पहचान, देश ने दे दिया तुमको सारा सम्मान। सारा सम्मान दे दिया, कुछ नहीं बाकी। भारत रत्न भी हैं, राष्ट्रपति बने हैं। साधना से तपा स्वर्ण तुम सा कहां, निस्वार्थ जो देश को जी रहे हैं यहाँ। शख्सियत हुजूर की करते हैं सलाम, बच्चों के प्रिय तुम चाचा अब्दुल कलाम, बच्चों के प्रिय तुम चाचा अब्दुल कलाम। तो ये उनके उस पर गीत था, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक रोचक चीज़ बताऊँगा। जब मैं नाइट ड्यूटी पे होता था तो हमारे राष्ट्रपति महोदय पूर्णमासी, जब पूर्णमासी होती थी या अमावस के दिन, उनके रेजिडेंस के रूम नंबर 3 पे जो है, राष्ट्रपति जी की तो फैमिली नहीं, और राष्ट्रपति के 10 कमरे होते हैं, वो बेचारे एक कमरे में रहते हैं, बाकी कमरों में साइंस की चीज़ें रहती है, साइंटिस्ट रहते हैं। मैं हर शाम को जब पिल्लई साहब को, सिर्फ थोड़ा पिल्लई साहब को जाते देखता हूँ, उनका वाइस राजन को थैला लटकाए हुए आते देखता हूँ। पिल्लई साहब वो बर्मोस मिसाइल के जो डायरेक्टर थे, तो वो जो है शाम को 9 आते। यार क्या करते हो रात को? अरे 1:30 जाते हैं सिर्फ थोड़ा पिल्लई साहब, बर्मोस मिसाइल के 51% की, यानी रूस के साथ इनकी साझेदारी थी, 49 रूस और बर्मोस मिसाइल के। तो मैं देखता था रात को, एक दरार देखा मैंने, लंबी पीतल की रॉड, जैसे हमारे संघ होते हैं गांव में पुराने, इस प्रकार के एक दूरबीन 2-3 थे उसमें, इस खिड़की पे उसमें हर एंगल से लगे हुए थे। मैंने उनको वो खिड़की, क्योंकि मेरी मैं अपनी ड्यूटी में इतना हो गया था कि मैं उस ग्राउंड से आगे नहीं बढ़ता था, मेरी ड्यूटी वहीं उन्हीं के इर्द गिर्द होती थी, उनके लिफ्ट पे या उनकी स्टडी पे या उनके उस पे यही होती थी। मुझे ये होता था कि इस रूप को मैं हर वक्त देखूं। मैं अपने घर से भी बिल्कुल एक, मुझे जीवन में रस ही नहीं था, उनको छोड़ने का मन ही नहीं होता था। ड्यूटी ऑफ करने के बाद ऐसे ही टहलता था वहाँ कि साहब का प्रोग्राम, और जिस दिन राष्ट्रपति जी बाहर हैं, राष्ट्रपति भवन से झंडा निकला हुआ, समझो मुझे भी नहीं, मेरी भी छुट्टी। तो मैंने जब उनको रात को देखा तो मैंने भी एक कल्पना करके लिखा, और ये भी मैंने विशेष तौर पर पढ़ा है। मैंने लिखा थोड़ा, जीवन में दुख सुख सफलता और असफलता के क्षण जब भी आए होंगे, आप वास्तविकता की हलचल से दूर अकेले खामोशी में खिड़की खोलकर अनंत आकाश को निहार कर शशि की शीतलता से स्वच्छंद शांति की ऊर्जा लेते होंगे। दुख सुख सफलता असफलता सभी व्यक्ति के पूरक है, यही सत्य है, यही जीवन है। स्वयं को समझाते होंगे
मैं प्रश्न हूँ, मैं उत्तर हूँ, मैं परीक्षक हूँ, मैं परीक्षार्थी हूँ। तब आपकी सही कल्पना परम लक्ष्य को निर्धारित करके सही दिशा में जाने के लिए स्वयं को प्रेरित करती होगी। जब हम आत्ममंथन करके कोई डिसीजन निकालते हैं तो हम अपना डायरेक्शन टारगेट बना लेते हैं। आपको ब्रह्मांड के स्रोतों से प्राप्त ब्रह्म शक्ति का संदेश आत्मबल देता होगा और आप सफल होते होंगे। ऐसी अवस्था में आप कल्पित कविता के वास्तविक पात्र प्रतीत होते हैं मेरे लिए। जी, अब कल्पित कविता क्या है? आप देखते हैं जब रात को बादलों को हटाकर चांद, आप देखते हैं जब रात को बादलों को हटाकर चांद को, देते होंगे खबर इस जगत की, लेते होंगे खबर उस जगत की। तब ब्रह्मांड के निरंतर में सत्य का संचार होता होगा आपके अंतर में, जो कम्युनिकेशन आप चांद को सब कुछ बताकर खाली होते होंगे। चांद भी ग्रहों उपग्रहों की हलचल ब्रह्मांड की थाली को उलटकर खाली कर देता होगा, कलाम साहब पे खाली कर देता होगा और अपनी शीतलता और कलाओं से आत्मीय सुख की बरसात करके आपको भिगो देता होगा। तब आप संतुष्टि पाकर 100% खिड़की बंद करके सोते होंगे, सवाल एक सोच कर नई ऊर्जा लेते होंगे, चांद पर दाग क्यों स्वयं से प्रश्न करते होंगे। क्योंकि हमारा ये कम होंगी ना, हैं हैं और हम बाहर कार्यक्रम हमारा श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम है, तो एक प्रकार से अनौपचारिक कार्यक्रम है। और मैं आप में से यदि कोई व्यक्ति कलाम साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है तो मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और कलाम साहब के प्रति आज के दिन अपने विचार रखें। इसको वाक्य सुनने के बाद मन को अंदर से सोच भी था और आखिर नम और मैं एक पेपर भी पुस्तक कर रहा हूँ। डॉक्टर रफा जमाल आजमी ये वाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में वैज्ञानिक थे, नहीं मैं गलत बोल गया हूँ, वैज्ञानिक हैं, वाड़िया इंस्टीट्यूट में सेवारत नहीं है, वैज्ञानिक तो हमेशा होता है, वैज्ञानिक थे कहना तो गलत था। थे हैं और रहेंगे भी। रहेंगे और इतना ही नहीं, केवल वैज्ञानिक थे ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, वे सूक्ष्म वैज्ञानिक हैं, मतलब सूक्ष्म जीवाश्म वैज्ञानिक हैं। ये जितने भी जीवाश्म देखते हैं वो केवल माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो एक तरफ कलाम साहब थे जो आसमान में देखते थे और एक तरफ आदमी साहब हैं जो केवल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो आँख से नहीं दिखता वो दोनों लोग देखते हैं। तो आदमी साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पत्थरों में विद्यमान जो सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं उनको निकालता हूँ, ये आपने बताया जिसे जीवन की जिसे जीवन कब कैसे पैदा हुआ और क्या उसका श्रृंखला कैसी रही है उसके ऊपर। बहरहाल आज का जो विषय आप डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बहुत कुछ लोगों के दिलो दिमाग में होगा कहने को, मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे रहे जब मैं भी उनके संपर्क में आया था 1984 जब कलाम साहब ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड आई वॉज एट दैट टाइम यंग एसोसिएट ऑफ द अकेडमी, सो देयर ही केम एज अ फेलो। एट दैट टाइम ही वॉज इन द डिफेंस, he was director in fact director in particularly DRDO, so that was the first contact where we could shake like this on the, and that was the actually the energy at that time he spoke, he presented his work and that gave a lot of inspiration, and that was the first thing when I came to his contact. So I said, this gentleman,
is so energetic. He is doing such a beautiful work, and it was so exciting, encouraging. Anyway, that was my youth in way back 1984. और उसके बाद 1993 में अगेन द सेम एकेडमी मीटिंग एनुअल मीटिंग दैट वाज गोल्डन जुबली एंड देन आफ्टरवर्ड 93 इन आईआईटी मोहम्मद ही केम एट दैट टाइम ही वाज द चीफ एडवाइजर इन प्राइम एडवाइजर इन प्राइम सो एट दैट टाइम द टॉक व्हिच ही गेव एट दैट टाइम दैट वाज सो आई मीन पिन ड्रॉप साइलेंस In about 40-45 minutes talk, I could not hear a single voice, and it was pin drop, and so spectacular, just go soul catching. और आपने उनको जब इस तरह कांटेक्ट में रखा तो आप मुझे बहुत गवाह होंगे, लेकिन मेरा ये अपना आप भी तो इस तरीके से जो लोग आए होंगे उनको देखा होगा तो एक ऐसी शख्सियत उनमें थी जो जहाँ जाते थे जिसके पास मिलते थे जिन लोगों से मिलते थे वो इसे होता था कि वो अपने आप हो गए कलाम साहब जो है बिल्कुल आप में समा गए और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था जो आदमी कॉन्टेक्ट में आता था वो कुछ करता था तो हमने भी कुछ यही है ऐसा है कि हमने भी कुछ कर लिया और उनके संपर्क में आने से कुछ ऐसा रहा एक्साइटमेंट था कुछ इंकरेजमेंट था लॉट ऑफ इंस्पिरेशन वी रिसीव तो ये बातें चीज़ तो है जो कि मैं आप शेयर कर रहा हूँ उसका लेकिन यही है कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे वो साइंटिस्ट आपने सेज कहा आपने उनको साइंटिस्ट सेज एक ऐसा लोग साइल मैन जिसने कहा बहुत सारे वैज्ञानिक और सेज ऋषि ऋषि और आपने अपनी जो किताब छापी है छोटी सी किसी अच्छी और उसमें सेज वर्ड इस्तेमाल किया मैंने कहा रियल साइंटिस्ट सेज तो एक ऐसा वर्ड था जो कि मैं आज समझता हूँ कि बस ऋषि साधु और उर्दू में कुछ भी कहें उनको एक बाबा के शक्ल में समझने की जो कि बहुत महान शख्सियत था बहुत ज्ञानी था है ना तो कहने का मतलब यह है कि हम सब उनको आज याद करके उनको हम एक तरीके से जीवंत लाने की कोशिश कर रहे हैं और हैं हम में विद्यमान है ऐसा आदमी नहीं होता इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर करें अपने लिए ये लेकिन बट ये है कि मेरा जो 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 एक्सपीरियंस पर्सनल देखने के बाद जो रहा वो बहुत इंस्पायरिंग रहा एंड आई बिलीव दैट दोज हु हैव कम इन कॉन्टेक्ट दे मस्ट हैव डन सम वंडर्स in their fields. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर आजमी जिस कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र किया मोखमपुर में उस कार्यक्रम में मैं भी था और कलाम साहब स्वभाव से थोड़े विनोदी थे हास्य पूर्ण व्यक्ति थे मुझे याद है कि उन्होंने उस समय चूँकि वे भारत के रक्षा वैज्ञानिक थे तो उन्होंने उस भाषण में हमने क्या क्या रक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया था बहुत सुंदर बताया था कौन कौन सी मिसाइल बनी कौन कौन से कार्यक्रम किए तो उसके बाद जो प्रश्नोत्तर हुए तो किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि ठीक है भारत इतनी सारी वैज्ञानिक उन्नति कर रहा है ये तो अच्छी बात है लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है उसके कारण ये वैज्ञानिक उन्नति चलेगी नहीं तो कलाम साहब कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जिम्मेदार आप हैं मैं नहीं हो सकता अभी अन्य कोई व्यक्ति यदि इस अवसर पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आमंत्रित करते हैं हाथी के पैर में सबका मुझे एक याद आ रहा है इसके बारे में डॉक्टर शिवपाल सिंह
ये जीपीएस महाविद्यालय में प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक हैं। इनकी एक विशेषता है, ये जैसा मैंने अभी कहा, ये जनसंख्या के संबंध में इनका काम है, देश की जनसंख्या कैसे न बढ़े, कौन कौन सी दवाएं हो सकती है, उस पर उनका अनुसंधान है। तो इनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नहीं, कलाम साहब से मैं वैसे कभी नहीं मिला, उनके बारे में पढ़ता रहा, तो एक जगह कहीं पढ़ा था, क्योंकि प्राणी विज्ञान से संबंधित है, तो ये पेपर में आया था, मुझे ये सब याद नहीं है, इस समय हो सकता काट के कहीं रखा हो, कि साहब जब ये राष्ट्रपति थे तो वही चाहते थे जैसा कि सर ने बताया अभी, तो वहाँ पे जैसे आपने बताया ना ब्रेड और हिरन वो भी थे, तो मोर भी वहाँ पे है, है वहाँ, इसके बारे में आया था एक, तो मुझे काफ़ी स्ट्राइक किया, अच्छा लगा कि भाई एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक या रक्षा वैज्ञानिक, उसके साथ साथ एक प्राणी विज्ञानी बड़ा सेंसिटिव, तो वो जब टहल रहे थे अपने गार्डन में, मुगल गार्डन में, तो एक मोर को उन्होंने देखा कि यार ये एक्टिव क्यों नहीं है, ये तेजी से क्यों नहीं चल फिर रहा है, वो सुस्त सा लग रहा था, तो उन्होंने इसको पता कराया कि भाई वेटरनरी डॉक्टर बुलाया गया कि भाई ये पक्षी तेजी से क्यों नहीं मूव कर रहा है, वेटरनरी साहब आए, डॉक्टर साहब आए, चेक करिए क्या बात है, ये इतना एक्टिव क्यों नहीं, चेक किया उसने, सब पूरा बॉडी देखा, तो उसकी आँख में कोई कुछ था, इन्फेक्शन हुई उस बर्ड के, मोर के पक्षी को देखने से, हाँ, तो उसने एग्जामिन किया, सब बताया कि साहब इसकी ये तो सफाई वही करनी पड़ेगी, तो इतने सेंसिटिव थे कलाम साहब कि एक पक्षी के बारे में क्यों नहीं, उतना कीन ऑब्जर्वेशन उनका था कि ये तेजी से क्यों नहीं चल रहा है, क्या कोई बात है, इसको जरूर कोई परेशानी, और उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया और उसका चेकअप कराया और उसने उसका इलाज भी किया, जो भी ऑइंटमेंट आई के होते वो लगाए गए और वो पक्षी सही हो गया। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये कितना बड़ा वैज्ञानिक होते हुए और सब चारों तरफ की चीज़ देखता है, इतना सेंसिटिव, तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये याद आया तो मैंने सुना, बहुत बहुत। ये वो वाली बात, उनका दफ्तर धीरेन्द्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना आज कलाम के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सारे पक्ष आपके सामने हो गए हैं, उनका मानवीय पक्ष भी रख दिया, उसी बड़ी चीज उसका कविता पक्ष भी, एक महाकवि भी था, फिर एक महामानव था, एक महान वैज्ञानिक था, उससे भी बड़ा वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था, कोई ऐसा पक्ष रहा नहीं, लेकिन कुछ स्मृतियाँ हैं फिर भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं था और कभी भी वो पब्लिक या पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी उन्होंने, तो समस्या होगी कि राष्ट्रपति कैसे बन गया, या तो हर चीज पॉलिटिक्स चलती थी, राष्ट्रपति चुना गया, जो तो शेयर कर लूँ आपसे, जब मैं विज्ञान में काम करना शुरू किया मैंने भारत में आकर के, तो कोई भारत साइंटिस्ट सोशल इश्यूज में या पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करता था, कोई साइंटिस्ट, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने कर दिया, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, कोई साइंटिस्ट एम जे के मैन का आपने जिक्र किया वो नहीं था। तो ऐसी स्थिति में 1882 की बात है, जब इन्होंने पहला आदमी छोड़ा, मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैं साइंस पॉलिसी डील कर रहा था, मैंने कहा कि आपने एक फुवारा छोड़ा समुद्र में गिर गया, तो कौन सी वाह वाह कर ली यार तुमने, तुम ये तो बताओ आगे क्या करना है, एक अग्नि छोड़ करके एक रॉकेट है पर और तो कुछ नहीं है ना, ये अकेले साइंटिस्ट थे जल्दिया जी में थे और अग्नि का फादर था, मुझे बुलाया और डी आर डी में साइंटिस्ट बैठे थे उनके सामने कहा देखो हमने तो अग्नि छोड़ी और ये एंटी मिसाइल का आदमी ये कहता है क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, टाइटा फिस करके बैठ गए, मीट माई साइंटिस्ट,
हूँ मैं, कभी ऐसा था नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट में साइंटिस्टों से बात करूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने कुछ किया नहीं, बहुत बड़ा काम किया, पहली बार ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपने एक मिसाइल छोड़ी है, तो बहुत बड़ी काम हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगला तो बताओ कि क्या प्लान तुम्हारा है, 5 साल में क्या करोगे तुम, अग्नि छोड़ी तो लाहौर पे छोड़ोगे। तो मैंने कहा, मैंने सुझाव दिया कि आप ऐसा करें 20 साल की योजना बनाएं कि 20 साल में हमारा स्पेस प्रोग्राम जो है ये करेगा कि चांद पर हम तिरंगा उतार देंगे। तो कोई बात बनी, तो ये अकेला साइंटिस्ट था एस्टेब्लिशमेंट का, वो रेस्पेक्टेड मी और मुझे अपना सीक्रेट टेलीफोन नंबर दिया कि ये प्राइवेट नंबर है प्रोफेसर शर्मा, आप जब कभी आपके दिमाग में कोई बात आए कम टू मी। That was the biggest beginning, first time that a science policy discussion can be held in the nation. Otherwise, if you speak, आपने इंदिरा जी का नाम लेके इमरजेंसी का विरोध किया तो आप आउट। तो ये पोजिशन थी, कोई साइंटिफिक डिस्कशन हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कलाम सा एक्सेस तो हुआ। अब उसमें ये है कि कहाँ तक हमें never discuss any confidential matter, which is fair. लेकिन आप पूछेंगे कि ऐसा आदमी जो किसी पार्टी का नहीं है, और अगर आप नोट करें कभी भी इन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर की हाँ में नहाने में लाया, कभी इंदिरा जी की तारीफ नहीं की, कभी किसी पार्टी की बात नहीं की, एवरी टाइम ओनली साइंटिफिक इम्प्लीकेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो हमें ये एक अच्छा ऐसा आदमी मिला, और आप जोशी जी ने आपने बताया इसवा में पहली बार मैं इनको, मैंने कहा आई वॉन्ट इंडियन साइंटिस्ट यू स्पीक टेल द नेशन कि क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा सर इंडियन साइंटिस्ट बोलता ही नहीं है, कोई लिखता नहीं है, तो आई टेक दिस क्रेडिट। मैंने कहा राइट डाउन योर ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट रामेश्वरम से लेकर के तो अग्नि छोड़ने चला गया, इतना बड़ा काम हुआ है, हाउ वाई अवर इंडियन साइंटिस्ट आर नॉट कमिंग, चाय बेचने वाले कभी आगे नहीं आ रहे थे। तो ये पहली बार मैंने कहा तू अखबार बेच करके इतना बड़ा पद पर आ गया है बगैर चापलूसी किए, नहीं तो सब इंदिरा जी की यों करते थे। आई वॉन्ट इट नेम नाइन, मैंने कई बार कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम पॉलिसी के बनाए और इंडियन साइंटिस्ट टॉप जो से थे उनसे कहा, मैंने कहा ये देखो ये तुम इंदिरा जी को कहो ये कर, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता क्यों कि वो नाराज़ हो जाएंगे। सो वी कुड नॉट टेल कि डोंट वेस्ट रिसोर्सेज ऑन एटॉमिक एनर्जी। इन 70s हमने प्रपोजल बनाया कि आप सोलर एनर्जी पर जाओ, फिर इलेक्ट्रॉनिक का आया। सो कलाम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड आई एम फील वेरी प्राउड कि ही लिसन टू मी। और हमने फिर इन्होंने 2006 में राष्ट्रपति वॉज लास्ट प्रेजेंट, ई इकोनॉमी ई सिक्योरिटी ई साइंटिफिक रिसर्च और विद स्पेस, और उसमें बिटवीन द रूरल एंड अर्बन बिल्ड द गैप बाय न्यू टेक्नोलॉजी। सो ई सिस्टम अगर आपने रख दिया कंप्यूटर का तो गांव और शहर एक हो गए, देयर इज नो डिफरेंस, ना आपकी जात पूछेगा ना आपका धर्म पूछेगा। तो आप जब ATM में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी ने आपको एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट सेक्युलर फिलॉसफी सेक्युलर सोशल सिस्टम दे दिया। मैंने कहा नहीं इज जम टू इट, और 2006 प्रेजिडेंशियल स्पीच में उन्होंने लास्ट स्पीच में पूरा डिजाइन बना कर दिया कि भारत को ये करना है ई सिक्योरिटी ई हेल्थ सर्विसेज ई एजुकेशन। तो अब जो मोदी जी ने अप्लाई किया है दैट वॉज प्लान एट दैट पॉइंट। We were unfortunate that after 2006 to 2014, we lost 10 years in scientific progress. Now, one thing very cute, जो आपने कहा ना, बड़े बड़े छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन they indicate the mind of the man, क्या approach है, क्या culture है। और ऐसा कम होता है कि poet भी है, कलाकार भी है, scientist भी है, inquiry भी कर रहा है, और सोशलिस्ट भी है, टोटल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी, मानववाद है उसका, तो फिलॉसफी भी है,
He's a very, very unique personality. And I would say that a little bit political, but not political idea. Atalji and Kalam, the two persons I found beyond narrow boundaries of idea for conflict. Now, तो ऐसे आदमी कैसे प्रेसिडेंट बन गया मेरे देश का? आई टेक द क्रेडिट. जब DRDO से रिटायर हो रहे थे तो दिल्ली में मेरा इनसे परिचय हो गया था, डिस्कशन, तो इनका फ़ोन आया कि मैं देहरादून छोड़ने जा रहा हूँ, छोड़ आऊँगा तो लास्ट में तुम्हारे यहाँ वेजिटेरियन खाना खा सकता हूँ क्या? नहीं, ही ट्रीटेड माई वाइफ एज ए सिस्टर. तो माई वाइफ वाज डूइंग सम सोशल वर्क विद द विलेज गर्ल्स. तो मैंने कहा अरे वो आ रहे हैं तो शिशु चेतना केंद्र में खोल रही हूँ, उन्हीं से ओपनिंग करा. तो मैंने कहा वो तो कहते हैं मैं आधा घंटा रहूँगा खाली और वो करने चला जाऊँगा. तो मैंने कहा नहीं, आपको निर्मला का ऑर्डर है कि आपको खाना तब मिलेगा जब आप पहले ये विलेज के बच्चों से आप मिल लेंगे. मैंने वो तो कर दूँगा, तो ठीक है लेट्स कर दी. वो दिन इज ए हिस्टोरिकल डे. अगर चली गई जो सीरी कल कलाम आ रहे हैं और आई थिंक यू वर देयर टू दैट फर्स्ट मीटिंग तो साइंस राइटर जो जो दिल्ली यहाँ देहरादून के थे उनको हमने बुलाया और लंच था. सुबह 4 बजे मेरे दिमाग में आया कि इसको राष्ट्रपति क्यों मनाया जाए. नाउ दिस इज ए स्पिरिचुअल चैलेंज बट दैट व्हाट हैपेंड. तो 4 बजे मैंने उठ के लेटर टाइप किया था जी. इमेजिन कि वो वेजिटेरियन भी है, इस्लामिक मुसलमान भी नहीं है, साइंटिस्ट भी है, कवि भी है, तुम्हारी तरह अटल जी कवि थे और बैचलर भी है और कोई भ्रष्ट नहीं है, किसी पार्टी का लेना देना नहीं है. सो आई सजेस्ट अटल जी कि आई प्रपोज इनको आप कर. तो बाकी जो पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहे थे कि ईसाई को किसी को बना दिया जाए तो इंदिरा जी काट देगी, हमने नहीं बोला यहाँ एक ऐसा न्यूट्रल ऐसा. तो मैंने सुबह जब नाश्ता वाश्ता हुआ उसके बाद ये लेटर रखा. मैंने कहा कलाम आज ब्रह्म मुहूर्त में मुझे ये आइडिया आया है, ये लेटर है. मैंने देखो सोचा नहीं पहले, मैंने ये कैसे हो सकता है, तो पॉलिटिकल डिसीजन वगैरह होते हैं. मैंने कहा एज ए फ्रेंड आई ओनली आस्क यू, आई एम ए सिटीजन, आई बिलोंग टू नो पोलिटिकल पार्टी. आई प्रपोज इट टू माई प्राइम मिनिस्टर. तो उससे खाली इतनी बात कह रहा हूँ, तुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ तू ना करना अगर अटक के फोन करें. तो इट वॉज ए ग्रेट जॉय एंड एट द राइट मोमेंट राइट सजेशन केम एंड अटल जी जंप ऑन इट. और उसके बाद तो यू नो वी हैड अ गुड रिलेशन विद अटल जी टू. लेकिन दोनों आई वुड नॉट कंडेम इट, दोनों महान व्यक्तियों ने एक बात मेरी नहीं मानी कि एटम बम न बनाओ. दोनों मेरी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों मेरे डीसी फ्रेंड हैं और उनकी साइंस पॉलिसी पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उनको सुझाव दे रहा हूँ, वो सब ठीक है. तो मैंने अटल जी से कहा कि अब कलाम ये है तो आप एक रूल बना दें कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उनके पास शेडो कैबिनेट एक साइन होना चाहिए साइंटिस्ट. तो दो तीन होंगे साइंटिस्ट, कैबिनेट होगी साइंटिस्टों की अपोजिशन में, तो सोचते रहेंगे पढ़े रहेंगे तो सवाल तो पूछ सकेंगे पार्लियामेंट में. तो मैंने कहा अटल जी तब अपोजिशन में थे, तो मैंने कहा आप अपने कैबिनेट बना लीजिए शेडो कैबिनेट. तो अटल जी ने कहा धीरेन जी आपकी बात तो सही है, अभी से लड़ने लग जाएंगे पार्टी की यूनिट नहीं रह जाएगी, कि सभी चाहेंगे मुझे मिनिस्टर बना दे शेडो में. तो एक बात हुई. लेकिन जब एटम बम का सवाल आया तो कलाम को मैंने इनवाइट किया था और हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त को होता है कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कर रहा था. हिरोशिमा नागासाकी के मेयर को मैंने बुलाया था. तो मैंने अटल से कलाम से कहा कि तुम ओपनिंग करो उसकी, मेयर आ रहे हैं हीरो. तो कलाम ने कहा कि धीरेन जी मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं आ जाऊँगा, ओपनिंग नहीं करूँगा, मतलब एज ए चीफ गेस्ट मदद करूँगी. मैंने ठीक है. इस बीच आपको याद है पहली बार अटल जी जब बने थे 13 दिन की कैबिनेट हुई थी, तो अटल जी ने जो ही जो हुआ
उन्होंने एटीएम को बोल दिया अटल एनर्जी वालों को कि बी रेडी, अगर मैं जो पार्लियामेंट की मुझे मिल जाती है प्राइम मिनिस्टर पोखरण टू, तो अटल कलाम जी का मैसेज आया कि मैं आपके 6 अगस्त के बीच में नहीं आ सकता हूँ, मुझे जाना है राजस्थान। सो वी गॉट हिट। तो मैंने कहा यार तो हो गया, कहने लगे तो आप जाके अटल जी से बात कर लो, तुम हम सेकेंड छोड़ने हैं। आई शेयर दिस विद यू बाय फ्रेंड नाउ इज हिस्ट्री। तो अटल जी मैं गया, मैंने कहा अटल जी मैंने सुना है कि वोकन टू होने जा रहा है, नो बडी न्यू है ना बिटवीन ऑल डे, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस फीलिंग, नॉट अबोल्यूशन बट वट अटल जी इज। अटल जी ने कहा धीरेन जी आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि एटम बम इज नो यूज, यू विल नॉट यूज, लेकिन एक धमाका तो करना है। He's a philosopher, he's a poet, he's a peace lover, और ये भी कहेगा कि मैं पाकिस्तान पर नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ेंगे इसको, लेकिन एक धमाका तो करना है वो है द स्पिरिट ऑफ पोलिटिकल लीडरशिप। मैंने कहा ठीक है अटल जी, अब इसके आगे मैं क्या करता हूँ। तो लाइक दिस हैपन, बट वन वेरी क्यूट थिंग जो आप कह रहे थे उसी लिहाज से है, उन्हें इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कहा ना सिक्योरिटी का नाम टॉप मैन ऑफ अवर सिक्योरिटी में, टॉप सिक्योरिटी के सारे सीक्रेट पता है इसको, एटम बम के भी पता है, हमें मिसाइल के भी पता है, तो ये बॉडी जो है हैज़ टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। तो पहली बार जब हमारे यहाँ आए थे एज ए प्रेजिडेंट, तो वो 3 दिन सारा जंगल सारे गांव, फिर अभी खाने का भी लेते हैं घर के सोप की क्या खिलाएंगे आप उनको, उस वक्त फर्स्ट एक्सपीरियंस। देन देयर वाज अ हॉटलाइन, प्रेजिडेंट जा रहा है ये कुछ हो जाए तो कमांड, तो वो भी फिट हुआ, फिर भी देट वॉज एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू फॉर दिस। कि उसके बाद वी वर गोइंग टू दिल्ली माई वाइफ एंड माई सेल्फ, तो टैक्सी आई और ड्राइवर का नाम है असलम, राजस्थान के थे, तो गाड़ी में बैठे तो उनका कहाँ जाना राष्ट्रपति भवन, तो उसने निर्मला से कहा मैडम वहाँ किसके यहाँ जाना है, उसको ये पता नहीं था कि हम राष्ट्रपति हैं। तो मैंने कहा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में अब कैसे जा रहे हैं, कभी अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति के यहाँ मिलना है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है मैडम आपको पता है कि अटल जी ने इनको क्यों प्रेसिडेंट बनाया। समझदारी के पॉलिटिशियंस का ये रहा है जाता होगा तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से निकलता। तो मैंने कहा असलम मियां तुम बताओ, मैंने कहा कोई पॉलिटिकल मैसेज होगा ना तू बताओ। तो एड्रेस करता मेरी वाइफ, कहता मैडम हुआ ये कि एज ए डिफेंस का टॉप मैन था, सारे सीक्रेट जानता था, तो इसकी सिक्योरिटी पर 1 करोड़ खर्च होता था और राष्ट्रपति पर भी 1 करोड़ खर्च होता है, अटल जी ने 2 in 1 किया इसको उठा के रख दो, दिस वेरी गुड जो हो गया। मैंने कहा यार जी, तो जब हम गए राष्ट्रपति तो उतर रहे थे, तो असलम कहता मेरी वाइफ को मैम आप अटल जी को उनको कलाम साहब को बताना। तो जब हम लौट गया तो वाइफ ने कहा कि आज आज हमारे नाम ने कहा तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही बड़ा बड़ी क्लेवर था। मैंने कहा इसको बना देना राष्ट्रपति तो कितना इकोनॉमी बचा लेगा राष्ट्रपति। वेरी क्यूट वे, बट आई मस्ट शेयर विद यू का नाम जब राष्ट्रपति हो तो फंक्शन हुआ था और आप बताया ना कि मैं भी बुलाया गया था, मैं सिक्योरिटी वाले को पूछ रहे थे कौन है यार, तो मैं अपना कार्ड दिखाता था, अच्छा ये है तो ठीक है
एक ब्यूटीफुल थिंग इज, जब हम लौट रहे थे तो सारे सिक्योरिटी वाले गेट पर राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े हैं, और लेटर को अरे यार कुर्ता पजामा नहीं हुए तो देखते हैं। तो शर्मा साहब आप गए थे? मैंने कहा हाँ गए थे यार, वहाँ रिसेप्शन हो रहा था, सब कैबिनेट बैठी हुई थी। तो आपने कलम साहब से हाथ मिलाया? मैंने कहा जरूर मिलाया। तो वो सारे ऑफिसर हाथ मिला रहे थे। तो इट वॉज ए जॉय, द फीलिंग ऑफ नेशन, फीलिंग ऑफ वर्कर्स। इट वॉज नॉट द सेंस दैट हम नौकरी कर रहे हैं। एंड आई सबमिट टू यू, नेवर यूज द वर्ड नौकरी, यू यूज द वर्ड दैट यू आर डूइंग नौकरी। होल कॉन्सेप्ट वी आर डूइंग नेशनल सर्विस। ग्राम की सिक्योरिटी वाज अ नेशनल सर्विस, इट वाज नॉट नौकरी ऑफ आवर ऑफिसर्स। बहुत सुंदर, दैट इज ए स्पिरिट। आवर ऑफिसर्स थिंक इट्स अ नौकरी, बट न्यू स्पिरिट हैज टू बी डन, एंड दैट वाज द स्पिरिट इन ग्राम। नेवर दैट अ साइंटिस्ट नौकरी कर रहा है, डीआरडीओ में नौकरी मिल गई है। Just DRDO, I told them, I said, never you think you scientists, you are there, and we are naukri kar rahe hain, science. Police mein naukri kar rahe hain. A third star wale ne Masoori mein Rashtrapati aaye. Aa rahe the Kalam, to humare function mein aaye tha wahan. To aaye, koi baat baat hui, to uska pet itna bada hua tha, police officer ka. To maine kaha, yaar, tu DIG hai, aur teen star hai, ye pet ka kya haal hai? Kya sir, kya hua? Maine kaha, naukri aisi hai, मैंने कहा नौकरी को बदनाम न कर तू, और आज के बाद कभी नौकरी का शब्द इस्तेमाल न कर। डी आई जी और मेरे देश का कहता है कि हम नौकरी में। तो कलाम का ये अद्भुत था, कभी नेवर नॉट होता कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। इट वॉज नॉट नो साइंटिफिक परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, और एंड दैट नोइंग द लेवल ऑफ फाइनेंसिस, क्योंकि पूरे फैमिली से आए थे उस दिन। ऑल द डिफेंस कैबिनेट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं राष्ट्रपति भवन में। जब ओपनिंग हुई है तो होता है ना, खूब रिसेप्शन दिया जाता है, चाय वाय होती है। अब हम गए थे देहरादून से, और वहाँ मीटिंग हुई अटल जी वगैरह थे, हम सब थे, कोई चाय वाय नहीं, देयर वाज नो। तो मैंने पता किया, 300 से ज़्यादा अनाथालय के लक्ष्यों को बुला करके चाय पिलाई गई, मीठा दिया, रिसेप्शन दिया गया, बट नन फॉर VIPs। तो पहले तो वो हमारे खाना खा लेते थे ना, तो मेरी वाइफ उनसे कहा करती थी कि हमें राष्ट्रपति भवन कब मिलेगा खाना। वो साउथ इंडियन होता है ना, इडली डोसा सांभर बड़ा, वही खाते थे। हाँ, तो पहले जब ये आए थे तो कहा करते थे, अरे सांभर डोसा जितना भी तुझे चाहिए ले लेना। अब हमें नहीं मिला एक बार भी। तो एक बार निम्ना ने कहा कि बड़ा कन्फ्यूज है कला, मैंने कहा नहीं तो पूछ लेना। तो अगली बार जब गए तो निम्ना ने कहा, चलने लगे, तुम्हारा इडली डोसा मुझे आज तक नहीं मिला है। तो कहिए तुम भूखे हो क्या? तुम से इतने अमीर के बच्चे हो तुम सब लोग, हैं तुम्हें दा डोसा चाहिए। तो दैट वाज द स्पिरिट whom they need। हम लोग दिवाली वगैरह पर कुछ भेज दिया करते, जब दिल्ली में, जब यहाँ आ गए तो हम नदी के तट पर जा रहे थे, दिवाली के दिन थे, और नदी के तट पर दो तीन झोपड़ियाँ थी। तो हमने पहले देखा और कोई तैयारी नहीं, तो जब लौट के आए तब तक फ़ोन आ गया कलाम साहब का कि दिवाली में तुम दिल्ली आ रहे हो कि नहीं। तो हमने कहा हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन भाई तो हमने कहा कलाम अभी अभी हम नदी के डर से हो गए आ रहे हैं जंगल से, और वहाँ दो तीन झोपड़ियाँ हैं और बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कोई दिवाली की तैयारी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं हम भी दिवाली नहीं मनाएं। कलाम ने कहा कितनी झोपड़ियाँ हैं वहाँ? हमने कहा 3 हैं। तुम अभी जाओ और मिठाई लेकर इन तीनों झोंपड़ियों में जाके मेरी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करो। अब हम लोग 5-6 मिनट कभी चल के आए थे जंगल से, ट्रैकिंग कर रहे थे, फिर ऊपर गए झारखंड में जा कर कुछ आज मिलता है कि बस जोड़ के दिन में, लेकिन कहा था तो निम्ना ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से प्रेसिडेंट की तरफ से। अब उन बच्चों को क्या पता गाँव के कौन प्रेसिडेंट होता है या क्या होता है, फिर भी हम गए। तो
that was the spirit of the man. It was beyond our social consideration. No economy, कभी किसी की निंदा नहीं की उसने, कभी गालियाँ नहीं की, लेकिन हमेशा मैं चिढ़ाता रहता था कि तुम एटम बम बना रहे हो यार, इतना बड़ा खर्च एटम बम के ऊपर, उतना पैसा अगर तुम एजुकेशन में बच्चों की पढ़ाई के लगाओगे, R&D में लगाओगे तो वो, यानी वो तो है, तो उनका जवाब था बेस्ट बेस्ट रेस्पेक्ट पावर एंड एटमिक बॉम्ब इज द पावर. मैंने कहा दैट इज ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट. दैट वॉज प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पर तो हो सकता था एटम बॉम्ब में पावर है, अब तो ये कोई पावर नहीं है, अब तो सर्वनाश है, ओनली सुइसाइड है. And that is true. So that was one of the exchanges I have. And but greatest contribution in the scientific development, technological science in rural, was that building the bridge between rural and urban development. The new technology ko aap istemal karein aur wo hai e-technology. So I submit with you the greatest thing it was that such a person was our president. But more than that, he was a citizen of India. And last साल का जो आया इवेंट अमरनाथ, अमरनाथ की ट्रैकिंग करके आए. अब जब आए तो मेरे यहाँ आए थे तो बड़े दीन हाथ रहे थे. आई वेंट टू अमरनाथ, यू नो धीरे. मैंने कहा अमरनाथ गया था, कैसे गया था? मैं भी राष्ट्रपति है तो सारे उससे उतरे होंगे हेलीकॉप्टर ना, मैं यात्री बनकर गया था. मैंने कहा यात्री बनकर तो मतलब घोड़े पर गया होगा ना, पैदल गया. अगर सिक्योरिटी का रिस्क कर दिया तो नहीं, वो तो है, लेकिन मैं सिंपल बन के गया था ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. वो प्लेन ग्रोथ में चल रही थी, तो मैंने कहा वहाँ जाकर क्या तुमने शिवलिंग पर पूजा की, इस्लाम का सत्यानाश किया तुमने? तो कह रहे नहीं नहीं, मैंने शिवलिंग पर जो पानी वानी चढ़ाया होगा वो चढ़ाया वर्ल्ड पीस. तो मैंने कहा तू मुझे खुश करने के लिए कह रहा है वर्ल्ड पीस, बॉम्ब तो तू बनाता है और मुझे कहता है वर्ल्ड पीस, कैसे करोगे? नहीं वो तो अलग बात, वो तो पॉलिटिकल डिसीजन है. मैंने तो वर्ल्ड पीस विश्व शांति के लिए शिवलिंग की पूजा की है जाकर के. दैट वाज नाइस. एक उनका वाक्य है जो आप शायद शेयर भी दूँ. एक 10 साल की लड़की ने 11वीं क्लास की थी, नाम मुझे याद नहीं पूरा, उसने पूछा अंग्रेज करके, आर यू ए मुस्लिम, आर यू ए तमिलियन, आर यू ए साइंटिस्ट, आर यू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? ह्यूमन बींग एंड देट कवर्स. धन्यवाद डॉक्टर शर्मा. इस प्रकार से आज का हमारा जो कलाम साहब को याद करने का जो कार्यक्रम था वो आप सबके उपस्थिति के कारण संपन्न हुआ. आप सब यहाँ आए इसके लिए इस्वा की ओर से और पहल की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं. और साथ ही साथ मैं अनुरोध करता हूँ यूसर के श्री नोटियाल जी से कि वे एक औपचारिक आभार प्रदर्शन करें. आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर शर्मा सर, मुख्य वक्ता और आज के चीफ गेस्ट के रूप में आप पंसा और समस्त हमारे पधारे हुए गणमान्य सम्रांत वैज्ञानिक और जितने भी हमारे उपस्थित महानुभाव हैं, मुझे लगता है कि आज ये यूसर्ट में भी एक ऐतिहासिक दिन है. यूं तो हम भी, जैसे आपने कहा कि ई वर्ल्ड की आपने बात की सर, हम भी जो है ई टेक्नोलॉजी से बच्चों को, विद्यालयों को, एजुकेशन को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं. और उसी का एक जो है ये नमूना ये भी कि जो आप सर कह रहे थे कि यहाँ पे लगभग 2500 विद्यालयों तक इस समय हमको लोग देख रहे होंगे, वो भी इस ध्रुव क्षेत्र में. तो हम भी उस फील्ड में काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, कलाम साहब के बारे में हमने भी बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देख देख करके और आप लोगों को सुन करके ये महसूस होता है
कि आज जो हमारे बच्चे भी ये यहाँ पे देख रहे होंगे उसके उनके अंदर भी एक स्पिरिट जागी होगी और उसी अंदाज से वो लोग भी, जैसे आपने बताया कि वो जो है साधारण और असाधारण का जो है जिसमें भेद न किया जाए, इस प्रकार के एक मानव के रूप में अवतरित हुए थे, उन्हें संदेह हम हमारे सारे बच्चों को भी उनसे स्पिरिट मिलेगी, उनसे जो है एक सीख मिलेगी। आपके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बताएगी, कलाम साहब के बारे में बताएगी, निसंदेह ये जो है हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि हम भी किस प्रकार से उस प्रकार कलाम साहब की तरह आगे अपने रिसर्च को और सबसे बड़ी बात अपने मानवीय गुणों को कैसे वैसे विकसित कर सकें। आज के मुख्य वक्ता के रूप में पंत साहब को यहाँ पे सुना, मुझे तो ये लग रहा था कि मानो कि जैसे हमने जो है बचपन में रामायण और जो तुलसी रामायण कह लीजिए या वाल्मीकि रामायण कह लीजिए, उसमें आता था कि जो है वो रामचंद्र जी की जो है जो कथाएं उसमें सुनते थे कि छोटे राम जी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और उसमें मोहित हो रहे हैं। वैसे ही मैं आपका रूप देख रहा था कि आपने हर एक छोटी छोटी चीज़ें कलाम साहब की ऑब्जर्व की, उसको जो है आपने लिपिबद्ध भी किया और यहाँ पे बड़े मार्मिक रूप से आपने सुनाया, सारे हम अभिभूत हुए हैं। मैं ये खुद को अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ और निसंदेह हम सारे लोग यहाँ पे सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोगों का यहाँ पे हमको सानिध्य मिला, आप लोगों की बातें सुनने का हमको यहाँ पे मौका मिला। जैसे सर आप दोनों ही लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जैसे ही आप आए तो वहाँ जो सुरक्षा गार्ड थे या अन्य जो लोग थे कि क्योंकि आपने उनको स्पर्श किया है तो वो आपको स्पर्श करना चाहते थे, तो ये अभिभूति जो है ये उनके प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। पूरे जो है भारतीय जो लोग हैं हम सारे उनके जो हैं क्योंकि उनसे श्रद्धा और उनसे प्रेम करते थे तो उनकी श्रद्धा को यह दिखाता है। और इसी का बीच में मैं पेपर में पढ़ रहा था सर कि कलाम साहब की मूर्ति मंदिर में लगी है, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? तो इसका मतलब न मैंने राम को देखा है न मैंने कृष्ण को देखा है, लेकिन कलाम साहब को आपके मार्फत हमने जरूर देखा है, तो मुझे लगता है कि वही राम रहीम जो कह लीजिए यही खुदा के रूप में है और उन्हीं का अवतरण हुआ था और वो जो अवतरित पुरुष यहाँ पे हुए थे आप लोगों ने उनको साक्षात उनके साथ जिया है, आप लोगों ने अपने विचार यहाँ पे रखे, आपके साथ हम भी अब उसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो मैं आपका तहे दिल से इस यूसुफ परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो है कष्ट करके यहां पे आए, कृपा की और हमारे जो है इतने लोगों को तो यहां पे अपने दर्शन और अपनी वाणी से तो आपने समृद्ध किया ही किया, उसके साथ साथ जितने हमारे स्टूडेंट्स और जितने जो है इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हैं सभी आपसे धन्य हुए हैं, कृतार्थ हुए हैं। मैं आप सभी का पुनः पहल संस्था का भी जो है चूँकि कमला पंत मैडम जो है इस समय लगभग जो है 70-80 साल की मेरी बहन से भी छोटी एनर्जी वाली मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे मेरी छोटी बहन में ऊर्जा है उससे ज़्यादा जो है मैडम में ऊर्जा होती है, तो आपकी ऊर्जा के कारण ही हमने तो बड़ी लेट में सुना कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा के लिए भी हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव इस प्रकार से जो है कार्यक्रम आयोजित करवाती रहती हैं। प्रोफेसर जोशी साहब आपका भी जो है यूसुफ में लगातार सहयोग रहता है सर, हर बार आप हमको मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, उसी का परिणाम है कि आपने यहाँ पे अपना संस्थान समझ के इस प्रकार का आयोजन कराया। विभिन्न संस्थाओं से चाहे वो DAV GDS और अन्य संस्थाओं से सारे लोग इस कार्यक्रम में आए, आदमी साहब और अन्य जैसे भी वक्ताओं के रूप में जो है आदमी साहब शिवपाल डॉक्टर शिवपाल सिंह साहब सभी आपने अपने विचार भी यहाँ पे व्यक्त किए, जितने भी यहाँ पे उपस्थित महानुभाव हैं पूज्य गवे साहब आप सभी का हम यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं यूसुफ परिवार की ओर से। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप लोग यूसुफ के साथ संबद्ध रहिएगा, हमारा भी मोटिव वही है, यह बहुत छोटी सी संस्था है लेकिन विचार जैसे आप कह रहे थे कलाम साहब वाले वही हमारी भी मन में यही चीज़ रहती है, ये एक जो है लालसा रहती है कि हम भी किस प्रकार से जहाँ विज्ञान उपलब्ध नहीं है, जहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं जिन बच्चों तक, वहाँ तक किस प्रकार से हम भी विज्ञान और विज्ञान से जो अनुसंधान का फायदा कैसे वहाँ पहुँचा सकें उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा निसंदेह हम भी करने में सक्षम होंगे। आज के इस पुण्य पर्व पे की जो है पुण्य की पर्व कह लीजिए कि जो है जिसमें एक खुदा के रूप में भगवान के रूप में जो आए थे उनको याद करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो मैं आपको श्रद्धांजलि तो अर्पित करता ही हूँ। उसके साथ साथ
आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने संस्था को चुना इस आयोजन के लिए और आपने यहाँ पे आके बड़ी कृपा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।